कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी, रिश्ता हर खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एनडी टीवी और मैं हूं आपके साथ संजीव झा। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लड़ाया कांग्रेस का झंडा, एमपी में फिलहाल किसी को बहुमत नहीं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने बीजेपी का पत्ता साफ कर दिया है, पर तेलंगाना में जनता ने टीआरएस पर दोबारा भरोसा जताया। राजस्थान में तो कांग्रेस अपनी सरकार बनाने जा रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में उन्हें काफी मशक्कत करनी पड़ी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दिल्ली कार्यालय में बड़े हर्षोल्लास के साथ जश्न मनाया, ढोल नगाड़े के साथ। और आपको बता दें कि आज ही के दिन कांग्रेस अध्यक्ष बने थे राहुल गांधी। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर से ईवीएम पर सवाल उठाया है। वहीं 24 घंटे बाद मध्य प्रदेश का नतीजा सामने आया। कांग्रेस 114, बीजेपी 109, निर्दलीय 4, बसपा 2, सपा 1। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बननी तय है। वहीं कांग्रेस ने अपना पहला प्रस्ताव राज्यपाल के सामने रख दिया है। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में 3 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत, तो वहीं मध्य प्रदेश में बहुमत से 2 कदम दूर है कांग्रेस। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सबसे तगड़ा झटका लगा है। 15 साल पुरानी सरकार तो गई, वहीं 10% से भी ज़्यादा वोट हाथ से निकल गए। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों में कांग्रेस ने 68 सीटों पर क्लीन स्वीप कर ली, वहीं केवल 15 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। तीनों राज्यों में धमाकेदार जीत दर्ज करने के बाद दिल्ली कांग्रेस मुख्यालय में जश्न का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे संवाददाता संजीव वहां मौजूद थे, आइए देखते हैं ये विस्तृत रिपोर्ट। कहां से आए आप? हम तो आए हैं गोरखपुर मंडल, उत्तर प्रदेश गोरखपुर मंडल, कुशीनगर जनपद से, फाजिलनगर विधानसभा है। कैसे आज खुशियां रोक नहीं पाए क्या? नहीं, कांग्रेस की रेल लहर को जी खुशी तो है। हमारे पास एक बहुत बड़ा गम भी है। हमारे पिताजी अब्दुल कयूम जी जो थे आजीवन कांग्रेसी थे, जो 2002 में कांग्रेस से टिकट भी पाए थे, लेकिन जाति समीकरण की वजह से चुनाव नहीं निकाल पाए। फिर कांग्रेस पार्टी ने उनके नीतियों को देखते हुए और माइनॉरिटी को मजबूत करने के लिए 2012 से 2016 तक काशी गुमती संयुक्त ग्रामीण बैंक के डायरेक्टर बनाकर उनको रखी थी आजमगढ़ मंडल और बनारस मंडल। हम उनके बड़े लड़के हैं, हमारा नाम जफरुल्ला बाबू है, मैं भी पूर्वांचल बैंक के डायरेक्टर रहा हूँ 2008 से 2012 तक गोरखपुर मंडल का। पर दुख की बात यह है कि पिछले 30 तारीख को अचानक दिल का दौरा पड़ने के बाद हमारे पिताजी का शाम को स्वर्गवास हो गया। उसके बावजूद फिर भी ये 5 स्टेट में चुनाव जो हुए हैं, आज चुनाव नतीजा को देखते हुए मैंने अपने खुशी को नहीं रोक पाया और कांग्रेस को मजबूती के लिए मैं यहाँ पूरे कार्यालय पर पहुँचा और राहुल गांधी को धन्यवाद देने भी आया कि हमारा आने वाले चुनाव में 2019 में सरकार बने, राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री बने और हमारे पिताजी को भी पूरे कांग्रेस परिवार के तरफ से शांति मिले और उनको मतलब राहुल जी भी जान जाए, राहुल जी भी उनको मतलब पिताजी के जो छूटे हुए काम थे उसको पूरा करने आए जी। हम पिताजी हमको कहते थे कि बेटा कभी आप नौकरी में मत जाना, हम आजीवन सामाजिक रहे हैं, तुम समाज में गरीबों का मदद करते रहना। तो जो भी मजलूमों को हमारे पिताजी ने मदद करता रहा है, अगर उनके जो पुराने अधूरे कामों को मैं पूरा करने के लिए संकल्प लेता हूँ कि मैं कांग्रेस की नीतियों का चलकर कांग्रेस की नीतियों पर चलकर गरीबों मजलूमों को हम सेवा करते रहेंगे और उनको मतलब मदद करते रहेंगे जब तक मेरा जीवन रहेगा। तो राहुल जी से मिल के जाएंगे आज? जी आज राहुल गांधी से मैं मिलकर जाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि राहुल जी के इस तरह की मतलब कांग्रेस की इतनी लहर को देख करके अपने पिताजी के निधन के बावजूद भी वहाँ से चलकर अपने पिताजी के छूटे हुए काम को इतनी खुशी की लहर कार्यकर्ताओं में नेताओं में जुटी हुई, आप ढोल नगाड़ा बज रहा है देख सकते हैं आप। कैमरामैन प्रवीण के साथ मैं संजीव जी, खबर एनडी टीवी। 2019 का चुनाव अलग चुनाव है, प्रदेश की चुनाव नहीं है। प्रदेश के चुनाव अलग मुद्दों पे होते हैं, जो राष्ट्र के चुनाव है वो अलग मुद्दों पर होते हैं। अलग नेतृत्व होता है,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो काउंट करती हैं। अपोजिट पार्टी ये कह रही है, राहुल गांधी ने ट्वीट भी करा और बोला है तो सिर्फ 15 मिनट का टाइम दे दीजिए डिबेट में बैठाने मोदी जी को, मैं उनकी बात का सारी बात कर रहा हूँ। उनका ये सपना मुझे बहुत आश्चर्य लगता है। राहुल गांधी जी निश्चित तौर पर खुशी उनको हो सकती है। और देखा जा रहा है किसानों को लेके हमेशा मोदी सरकार पीछा की है और किसानों को कांग्रेस आगे लेके चली है, आप किस तरह? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे हमने राजनीति नहीं की, किसानों के मुद्दे पे हमने राजनीति नहीं की, और जो मोदी जी ने किया है वो इस चुनाव में आप इसको उससे मत जोड़ कर देखिए। लेकिन जो चुनाव का भी यही हिसाब रहेगा क्या? हाँ ना दीजिए, दिल्ली का चुनाव जब भी आया चूक का विषय नहीं है। 15 साल से हम राज्यों में हैं और अभी कहीं कोई मुझे नहीं लगता, अभी 4 बजने दीजिए, अभी 4 बजे का वेट करेंगे, 4 बजे का बजे। और ताज़ा खबरों के लिए बने रहें खबर एनडीटीवी के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर एनडीटीवी, रिश्ता हर खबर से।